जो रोड पे यानी कानपुर रोड पर जो तैनात थे आदमी उनसे संपर्क करके जो एयरपोर्ट का स्टाफ है वो मना कर रहा है कि जितने भी पार्टी के लोग ये जानकारी पुख्ता कर दे दर्शकों को कि अखिलेश यादव और शिवपाल यादव यहाँ पर आकर के वापस यहाँ से जा चुके हैं। आप सभी पहुंचेंगे मुलायम सिंह यादव के आवास पर ही। विवेक, अब एयरपोर्ट अखिलेश और शिवपाल दोबारा नहीं आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं यहाँ उन्होंने बताया, स्पष्ट कर दिया है कि बस एक मिनट पहले ही यहाँ पर चार्टर्ड फ्लाइट से लेके जो चार्टर्ड फ्लाइट थी मुलायम सिंह यादव की वो उसके अखिलेश यादव पहुँचे और उनको लेकर अपने पिता को लेकर यहाँ से मूवमेंट कर चुके हैं और सीधे घर के लिए निकले हैं। यानी यहाँ से जो घर का रास्ता है वो भी 20 से 25 मिनट का रास्ता है, वो अपने घर पहुँचने वाले होंगे करीब 2 मिनट पहले की जानकारी है। 2 मिनट पहले तो रास्ते में होंगे, यानी अभी उनकी फ्लाइट जो है कृष्णानगर पहुंची होगी, यहाँ से बगल सरोजनी नगर के बगल में कृष्णा नगर है, उसके बाद वहाँ से रास्ता है सीधे शहीद पथ का और शहीद पथ से होते हुए वो 15 मिनट में अपने आवास पर होंगे विक्रमादित्य मार्ग पर। ये समाजवादी पार्टी के जो लोग आए थे, जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको सूचना मिल रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं, चूँकि आसपास के जनपदों से आ रहे हैं, सीधे यहीं पहुँचना था, वो सूचना पाकर सीधे यहाँ से आए और यहाँ से सीधे आवास के लिए रवाना हो गए। अभी हमने जिन समाजवादी पार्टी के नेता से बात की थी वो भी पहुँच गए हैं, यानी यहाँ से निकल चुके हैं आवास के लिए और उन्होंने भी फ़ोन करके तमाम अपने साथियों को बता रहे थे कि अब एयरपोर्ट पे मुलायम सिंह यादव निकल चुके हैं इसलिए सीधे वहीं आवास पहुँचे। कुछ देर में आवास पर ही सारा जमावड़ा लगेगा। हमारी अभी जो सहयोगी हैं शैलेश, उनसे बात हुई थी, वो मुलायम सिंह के आवास के बाहर मौजूद हैं। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हो गई हैं और किसी भी समय यहाँ पर कार्यकर्ता जो नेता जो समर्थक पहुँच रहे हैं समाजवादी पार्टी के उनको इत्तला कर दी जा रही है, उनको जानकारी दी जा रही है कि अब सीधे आवास पर ही पहुंचे क्योंकि यहां से काफिला निकल चुका है अखिलेश यादव का और नेताजी का। ABP News आपको रखे आगे।